तो हाय गाइस, यहाँ देखिए हम चले हमारे भगवान श्री कालीनाग जी के साथ मीरू की ओर। तो 35 साल बाद हमारे देवता जी जा रहे हैं, तो काफी एक्साइटेड है। हम आगे मिलेंगे गाइस साहब से। और यहाँ देखिए पूरे उत्साह के साथ है लोग सारे जी के हलमदी जी पूरे उत्साह के साथ है सारे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये बड़े भाई पंकज भाई जी रोग सिंह के साथ, ये सारे काफी एक्साइटेड है। सारे सारे बहुत खुश है, सारे लोग बहुत खुश है क्योंकि 35 साल के बाद हमारे एक ऐतिहासिक इसको प्रमोट किया हुआ ऐतिहासिक ये देखिए बंदे यहाँ पे अपने नेपाली भाई लोग भी आज बहुत खुश है, बंधु लोग काफी खुश है देवता के साथ। ये देखिए चमाके चमाके लगा लिए इन्होंने, यहाँ देखिए आप। तो ये देखिए बंदा काफी खुश है, बोले यार ये देखिए काफी एक्साइटेड हमारे नाग जी के हलमदी। अब यहाँ पे नाग जी के रथ को खोल कर उठाया जा रहा है अपना अपना बांट, तो उसके उपलक्ष पर ये भाम करना लादी बज रहा है। अब यहाँ पे तैयार है अब जाने के लिए। ये गांव का प्यारा सा व्यू। तो यहाँ से निकल रहे हम, ये पीछे से रास्ता बनता है, ये देखिए निकल पड़े सारे। यहाँ देखो पथ यात्रा है देवता जी श्री कालीनाग जी के साथ, तो लोग चले हैं आगे। ये अभी ओंडा के कंडे के साथ से है ये रास्ता, तो वहाँ से चले हुए हैं अभी। आप देख सकते हैं पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं उधर को देखो। अभी सुबह के 10:48 हो चुके हैं, तो अभी हम गाइस कंगोस के कंडे में हैं, चले हुए पथ यात्रा नेता जी के साथ। तो यहाँ देखिए पीछे और साथीगण पथ यात्रा का अपना अलग ही मज़ा होता है गाइस, जो कि बहुत ही पवित्र यात्रा होती है ये। तो इसमें अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है आदमी का। पहुँचे हम
ये है, चैनल को सब्सक्राइब करना बंदे की, ये बंदा है, ये बंदा है। चंदू आते तो भी 11:26 पे हम यहाँ पे बारह के अगले साइड में पहुंचे हुए हैं, प्यारात पर बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सारे अभी आराम कर रहे हैं लोग। यहाँ पे बाम करनाल बजेगा अभी देवता जी का। तो जंगल के बाद हम सड़क के रास्ते से आगे जाएंगे, आगे पनवी से होते हुए। तो हरमोदी साहब, आपको कैसा अनुभव हो रहा है देवता जी के साथ इतने वर्ष के बाद जाके? देखो जी, हम इतने वर्ष के बाद जा रहे हैं, रास्ता तो नहीं बोले हम, रास्ता अच्छा तो हम पुराने रास्ते से ही आए। अच्छा जी, अब हम निचार पहुंचने वाले हैं, अभी रेस्ट में हम। अच्छा, बैठे अभी आराम कर रहे हैं, पसीना सुखा रहे। तो कैसा लग रहा है आपको देवता जी के साथ आके? बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत मजा आ रहा है, पुरानी याद आ रही है। पहले भी गए हुए थे आप? पहले दो बार। हम तो गाइस पहली बार ही जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से सारे, ये सारे छोकरे, हम तो सारे पहली बार ही जा रहे हैं। बट ये इनका, हलमदी जी का कहना है कि ये तो अभी दूसरी बार, आपका दूसरी बार है, दूसरी बार इनका नाग जी के साथ मीरू गांव में पहुंच रहे हैं दूसरी बार। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हमारा यहाँ तक का, जंगल के रास्ते से काफ़ी मजे आए। आगे भी हम दिखाएंगे आपको। बारह में पहुंचे अभी, सड़क से आ रहे हैं सारे, काफ़ी अच्छा अनुभव है। ये देखिए, यहाँ देखिए माही, चलिए चलिए चार गांव आपको दिख रहा होना। तो ये हमारे यहाँ से देखिए बहुत अच्छा कहना ही बजा रहे हैं, ये काफी अच्छा कहना ही बजाते हैं। विचार से आगे क्रॉस कर रहे हैं अब हम चार गांव को। तो आगे हम 1-2 से ऊपर होते हुए चार गांव के साथ तो हम कक्सल में पहुंचेंगे। साथ ही काफी अच्छा नजारा दिख रहा है हमें यहाँ से। ये अभी हम कहाँ पे पहुंचे हैं ग्रुप भाई यार? ठोंगे। अच्छा, ये ठोंगे हैं। तो गाइस अभी हम यहाँ पे ठोंगे में पहुंचे हैं। तो मामा जी, कितनी थकावट हुई है अभी तक? थोड़ा सा थकूंगे और हमने आगे काफी चलना है, फिर भी हमने हिम्मत रखी है। ये देखिए आगे जाएंगे, क्या ही प्यारा व्यू आ रहा है गाइस। यहाँ देखिए आप, हेलो, ये नीचे 1-2 है, उधर को आगे यहाँ देखिए 1-2 है ये वहाँ आगे। अभी करीबन 1-1.5 घंटा करीबन और लग जाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए सारे अभी थके हैं, ज्यादा नहीं थके, कम थके हैं। बेचारा देव चचे, ये यहाँ पे देखिए मास्क मुक्स लगाए हुए, डर रहे कोरोना से, बहुत डर रहे हैं ये। यहाँ देखिए थके हैं, क्या ही शानदार नजारे है गाइस, वाओ। ये है 1892 गाइस। यहाँ देखिए ये नेपाली बंधु भी हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और खुश है। तो यहाँ देखिए अभी, तो भाई यार आप, भाई यार कितने ज़्यादा खुश है भाई यार देवते के साथ आ रहे हैं। छिटा के ओ भाई,
नहीं आता है इसको हिंदी यार। भाई इधर देखो यार कैसा मजा आ रहा है भाई, बहुत ही मजा आ रहा है हमको तो इस बार यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम। ये नेपाली भाई भी बहुत खुश है गाइस, यानी चमाके चमाके लगावे इन्होंने किनौनी टोपी टापी। यहाँ देखिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, बाहर से भी आके यहाँ पे देखिए आस्था। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा हाइट है यहाँ की। अभी तो बहुत पैदल जाना है यहाँ से नीचे, वो जो आपको पुल दिख रहा है नीचे वहाँ पे पहुँचना है हमने। तो यहाँ से काफ़ी नीचे तक जाना है गाइस। अभी तो जाने के लिए तो खैर उतरा ही है, चढ़ाई के लिए तो आते वक्त के लिए तो पता देगा रास्ता, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। देखिए ये उल्टे फुलटे रास्ते से निकल रहे सीधा, तो मैं भी वीडियो को अभी बंद कर लेता हूँ। मैं एक बार नीचे टपता हूँ अच्छे रास्ते तक, उसके बाद देखता हूँ बनाऊँगा। एक खतरनाक किसी ने हो गया है गाइस, यहाँ देखिए काफी दिक्कत भरा रास्ता मिल गया लास्ट टाइम में, यहाँ मांगते हुए चुके हैं हम, बहुत ही खतरनाक रास्ता। यहाँ से आराम आराम से आराम आराम से टपा जा रहा है, देख सकते हैं आप किस तरह से डेंजर रास्ता। कहना है ना हम लोग इसको दे। तो उसके बाद अभी हम यहाँ पे वांगटू में पहुँच गए, बड़ी मुश्किल हुई वहाँ पे उतरने को गाइस, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। बड़े मामा जी छोटे वाले मामा जी तो डर गए, जीडी मामा जी बहुत ज़्यादा ये डर गए उधर, वहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई कि वहाँ पे दिक्कत होता है हमें मोटापा के कारण। तो इस साल कुछ शारीरिक संतुलन भी ठीक नहीं है, तो इसीलिए हम ज़्यादा चल नहीं पाए इस तरीके के पहाड़ों से, वरना हमारे लिए ये कोई खास बात नहीं थी कि भाई हम यहाँ से ना उतर पाते, ये बिल्कुल आसान भी था। तो यहाँ मालिक का हमारे ऊपर आशीर्वाद भी है अभी प्रभु का, तो जिनके विश्वास से हम चले हैं तो किसी को कुछ हो नहीं सकता। तो अभी यहाँ पे वाम करना सब कुछ बजेगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये वांगटू है पार प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बिजली कितने मेगावाट की यहाँ पे बिजली तैयार हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आर्मी से भी, इंडियन आर्मी से भी आए हुए सारे लोग यहाँ देखिए गांव के समर्थन कर रहे हैं पूरा भरपूर। ये हमारे फौजी साहब पेटी पिलाएंगे आज रम टापरी में। ये देखिए गाड़ी के अंदर मिस्टर थोइया जी अपने भाई लोग सारे मस्त है, एकदम जबरदस्त मस्त है। ये देखिए आशीष भाई वगैरह सारे लाइक और सब्सक्राइब, बिल्कुल बिल्कुल चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। हालत खराब हो गए इतना सा चल के यार, पावंग में चलते हैं यार, क्या यार इतना सा चल के यार सड़क जिसके लिए हम वही 3:13 काकस्थल पुल के ऊपर से गुजर रहे अभी। वो बोले चाहती सी बस आ गई हमारी चंडीगढ़ वाली, ये हिमाचल ट्रांसपोर्ट की डिलक्स बस चंडीगढ़ की ओर जा रही है। ये बबलू सेठ अपने भाई रंग सिंह खतरनाक बजाते हैं ये, तो देखिए काकस्थल से थोड़ा सा आगे अभी पानी पी रहे थके हैं सारे, पानी की प्यास बहुत लगी है। तो यहाँ देखिए आप देवता जी आगे है उधर को, उधर है देवता जी यार चाको डोल यार थोड़ा सा, मैं भी पीऊंगा थोड़ा सा पानी। अब तो बहुत थक चुके हैं हम यार। तो गाइस अभी हम यहाँ पे टापरी पहुंच चुके हैं हमारे कालीनाथ जी के साथ, तो अंधेरा होने जा रहा है, तो हमारा जो रात्रि का ये बंदोबस्त किया गया है यहाँ आगे टोटू नाम मकान पे। काफी इस समय थक चुके हैं, अब हमने विश्राम करना है आगे जाके, हमें यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा, उसके बाद हम विश्राम करेंगे। रात में हम यहीं पे रहेंगे श्री कालीनाथ जी के साथ, और सवेरे हम यहाँ से 4 बजे करीब
चलेंगे। इस समय काफी उत्सुक भावुक है कि हमने नानी के साथ आगे उतना सफर तय करना पड़ रहा है। तो गाइस मैं जो है रात्रि का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि ठंड काफ़ी थी, तो मैं वहाँ पर नहीं ठहरा हुआ था, एक कमरा लिया हुआ था उसमें ठहरे थे हम। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।